Yamaha FZSFI, now BS6 compliant and in two new colors. नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू PSJ इन्फोनॉक्स और आपका दोस्त आपका भाई प्रसाद में मेरे सभी भाइयों और दोस्तों का मेरे चैनल में स्वागत करता हूँ। और अभी अभी आपने जो वीडियो देखा वो था यामा की FZS 3.0 और जिसका इंजन है 149cc का और जो कि BS6 इंजन कंप्लायंट है। और ये जो बाइक है दोस्तों वो आता है बेसिकली सिंगल चैनल ABS में। और अगर आप चाहते हो कि आप ड्यूल चैनल ABS बाइक यूज करो तो मैं आपको इस वीडियो में 5 ड्यूल चैनल ABS बाइक्स भी बताऊंगा और उसके वीडियो भी मैं बाद में डालने वाला हूँ। तो आपको ड्यूल चैनल ABS बाइक का जो वीडियोज है उसका प्लेलिस्ट मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या वीडियो एंड में भी मैं बाद में डाल दूंगा। तो कंटिन्यू करते हैं, पहले देखते हैं कि ड्यूल चैनल ABS बाइक कौन सी आती है। उसमें है KTM ड्यूक 250, वो है ड्यूल चैनल ABS, ये BS6 इंजन कंप्लायंट है। साथ ही साथ में आगे भी 4 बाइक्स बता रहा हूँ वो भी BS6 कंप्लायंट है। तो KTM ड्यूक 250 हो गया, उसके बाद आता है KTM ड्यूक 200, उसके बाद आप सुजुकी में जाओगे तो सुजुकी जिक्सर 250, और देखोगे तो बजाज में जाओगे तो बजाज डोमिनर 250 भी है, वो भी ड्यूल चैनल ABS बाइक्स है। TVS अपाचे RTR 200 4V, तो ये 5 बाइक मैंने आपको बता दिया जो कि ड्यूल चैनल ABS है और उसके वीडियो में अभी इसके बाद में डालूंगा। तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप वो वीडियोस देख सको और बेल आइकॉन को भी दबाइए दोस्तों। तो अभी देर नहीं करते और चलिए कंटिन्यू करते वीडियो यामा FZ 3.0 का। तो एट प्रेजेंट आप दोस्तों वीडियो में 2 कलर देख पा रहे हो, ये जो है वो डार्क नाइट है, मैट डार्क नाइट कलर, इसका प्राइस है 121,500, और दूसरा जो कलर है वो है मेटालिक रेड। तो मेटालिक रेड का कलर का प्राइस है वो 120,000 है, मतलब इससे 1,500 रुपये कम, और ये मुंबई का ऑन रोड प्राइस में बता रहा हूँ दोस्तों। और इसमें टोटल 5 कलर आते हैं इस बाइक में, लेकिन एट प्रेजेंट वीडियो मुझे बड़ा नहीं बनाना है इसके लिए मैं आपको खाली 2 कलर से बता रहा हूँ। तो आप देख रहे हो कि मेटालिक रेड भी एकदम काफ़ी ग्लोसी लग रहा है और स्पोर्टी लग रहा है ये बाइक देखने के लिए। और इन्होंने इसमें कुछ नए चेंजेस भी किए, वो भी मैं अभी आपको वीडियो में सब बताने वाला हूँ आगे। तो सबसे पहला चेंज है दोस्तों 149cc का जो इसका फ्यूल इंजेक्टेड सिस्टम है उसका टेक्नोलॉजी इन्होंने काफ़ी इम्प्रूव किया है, और इसका जो ECU है उसमें भी काफ़ी इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है ताकि ये क्विक पिकअप को रिस्पॉन्स करे और बेटर एक्सीलरेशन और माइलेज दे आपको बाइक चलाते वक्त। करंट BS6 नॉर्म्स के हिसाब से इसके मैक्स पावर में और टॉर्क में थोड़े से चेंजेस किए गए हैं। अगर आप मैक्स पावर देखोगे तो 12.2 BHP है और 7,250 RPM का ये पावर जनरेट करता है, और मैक्सिमम टॉर्क आप देखोगे तो 13.6 न्यूटन मीटर 5,500 RPM है। इंजन के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि BS6 कंप्लायंट 149cc का एयर कूल्ड इंजन है, और इसका टैंक कैपेसिटी है दोस्तों 13 लीटर्स का, और ये 13 लीटर्स का टैंक आपको पर लीटर माइलेज प्रोवाइड करता है 40-45 km पर लीटर। अभी देखेंगे इसमें और एक एडेड फंक्शनलिटी इन्होंने क्या दी है। अगर आप इसका स्पीडोमीटर देखोगे दोस्तों तो स्पीडोमीटर में इन्होंने लेफ्ट में बॉटम में नीचे एक लाइट दिया है जो कि ऑरेंज में जल रहा है। तो वो लाइट अगर आपके गाड़ी के मैकेनिज्म में कुछ इशू रहेगा तो वो जलते रहता है जब तक आप वो मैकेनिज्म का इशू फिक्स नहीं करोगे तब तक। अभी अभी आपने वीडियो में देखा कि इसमें इन्होंने इंजन कॉल भी दिया है जो कि नीचे से इंजन को कवर करता है। एग्जॉस्ट का मिड शिफ्ट मफलर है वो हेवी एग्जॉस्ट नोट के साथ आता है, वैसे तो ये साइलेंट रहता है लेकिन आप अगर रेस करोगे तो ये लाउड हो जाता है थोड़ा सा। टायर्स के बारे में देखोगे आप तो इसमें दोनों 17 इंचेस के टायर है, ट्यूबलेस टायर है जो कि सीएट के ट्यूबलेस टायर्स इसमें यूज किए हैं, और फ्रंट ब्रेक की साइज आप अगर देखोगे फ्रंट डिस्क ब्रेक की साइज वो है 282 mm, रियर ब्रेक की साइज है 220 mm, और आप देखोगे तो ये सिंगल चैनल ABS बाइक है और इसमें बाइब्री के ब्रेक्स यूज़ किए गए हैं जो कि काफ़ी प्रीमियम लुक देता है बाइक को। फ्रंट सस्पेंशन की बात करें दोस्तों तो इसमें है टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन, और रियर सस्पेंशन है वो 7-स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस सस्पेंशन है। इस बाइक का ओवरऑल वेट देखोगे आप दोस्तों तो 137 kg है, और ओवरऑल लेंथ है बाइक का वो है 1990 mm, और ओवरऑल विड्थ है 780 mm, ओवरऑल हाइट है बाइक का 1080 mm, और व्हील बेस है 1330 mm, ग्राउंड क्लियरेंस है इसका 160 mm, और सीट हाइट है 790 mm। हेडलाइट्स के बारे में आप देखोगे तो इम्प्रूव्ड LED हेडलाइट्स इसमें यूज़ किए गए हैं जो कि आपको नाइट राइडिंग में असिस्ट करता है, और आप अगर इसका स्पीडोमीटर देखोगे तो ये नेगेटिव LED DRL कंसोल है इसका स्पीडोमीटर का, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और नाइट विजन में भी ये आपको काफ़ी अच्छा असिस्ट करता है।
इस बाइक के साथ यामा की बाकी भी जो FZ सीरीज की जो नेकेड स्पोर्ट्स बाइक है उनका सीटिंग पोस्चर काफ़ी कंफर्टेबल है। आप देख रहे हो इसका भी सीटिंग पोस्चर राइडर के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है और पिलियन के लिए भी काफ़ी मतलब अच्छी सी सीट दी है इन्होंने। और ग्रैब रेल भी है पिलियन का, वो भी मतलब वन पीस में है पूरा। तो मतलब राइडिंग करते वक्त एकदम अच्छा एक्सपीरियंस आता है। आप अगर सिटी में राइड कर रहे हो या लॉन्ग ड्राइव कर रहे हो तो भी कम्यूटर राइडिंग की वजह से आपका जो बैक पेन का आपको कुछ इशू रहेगा तो वो बाइक में आपको ये ज़रा भी महसूस नहीं होगा। तो नेकेड स्पोर्ट्स बाइक के इसमें ये काफ़ी अच्छा लुक देता है विद कंफर्टेबल सीटिंग के साथ। अगर आप इसका सीटिंग का फोम भी देखोगे वो काफ़ी हार्ड है ना काफ़ी सॉफ्ट है, वो एकदम प्रॉपर मिड लेवल का फोम इसमें यूज़ किया है जो कि आपको सीटिंग के टाइम में एकदम अच्छा कंफर्टेबल फील करवाता है। तो इस तरह जो है वो इसका इंजन भी है वो मेटेलिक रेड के साथ मैट ब्लैक कलर का इंजन को फिनिशिंग है तो उसकी वजह से बाइक को एक अनोखा ही ग्लो आ जाता है। और ये जो FZS का टैंक पे ब्रांडिंग है वर्जन 3.0 का, वो इन्होंने नए स्टिकरिंग के साथ काफ़ी इम्प्रूव किया है। तो रेड कलर के साथ ही अगर आप डार्क नाइट कलर देखोगे तो डार्क नाइट कलर में भी इन्होंने मतलब क्रोम कलर का यूज़ करके, मैट ब्लैक और क्रोम का कॉम्बिनेशन यूज़ करके इस बाइक का डिज़ाइन को काफ़ी इम्प्रूव किया है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा और पसंद आया रहेगा। और आपको इसमें कुछ क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। और ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है यहाँ पे दिया हुआ, उसमें भी आप जाके फॉलो कर सकते हो, मेरे को इंस्टाग्राम पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।